हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण और बहुपद वाली कुछ सवाल लेकर आया हूं, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को आगे भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस टू बराबर जीरो का एक मूल दो है तो दूसरा मूल क्या है। दिया गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस टू बराबर जीरो, एक मूल दो है, ठीक है, तो दूसरा मूल क्या है। यहाँ पे दिया गया है एक मूल दो है, यानी यहाँ पे x का दो मान आएगा, एक मान दे दिया गया है और एक x का मान आप लोगों को निकालना है। तो क्या करिए, x बराबर दो जो है समीकरण एक में रख दीजिए, ठीक है। तो दो रखेंगे तो ये आएगा दो का स्क्वायर माइनस के गुणे दो प्लस दो बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा चार माइनस टू के प्लस दो बराबर ज़ीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस टू के बराबर माइनस छ, यानी के का मान क्या आ जाएगा आपका तीन, के का मान आ गया तीन। तो अब समीकरण क्या बनेगा, के का मान तो तीन आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस दो बराबर ज़ीरो है, यही है समीकरण। तो एक्स स्क्वायर माइनस के का मान क्या आ गया तीन, एक्स प्लस दो बराबर ज़ीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू बराबर ज़ीरो। आप लोग जो हैं द्विघात समीकरण हल करना जानते होंगे, तो ये बनेगा एक्स एक्स माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू बराबर ज़ीरो, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बराबर ज़ीरो। यानी कह सकते हैं यहाँ पे एक एक्स का मान आएगा एक और दूसरे एक्स का मान आएगा दो, ठीक है। तो x का एक मूल दो है और दूसरा मूल क्या है एक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला यहाँ पे सही है, दूसरा मूल क्या है एक। दूसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर दो देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। व्यंजक दिया गया है x माइनस टू एक्स माइनस नौ का न्यूनतम मान, ठीक है। व्यंजक का न्यूनतम मान पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए x माइनस टू एक्स माइनस नौ यही दिया गया है। तो अगर आप लोग गुणा करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स माइनस टू एक्स प्लस अट्ठारह, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह एक्स प्लस अट्ठारह, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह एक्स प्लस अट्ठारह, इसे आप लोग पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, इसमें आप लोगों को कुछ जोड़ना पड़ेगा और कुछ घटाना पड़ेगा। इसमें अगर आप लोग 11 बटे दो का स्क्वायर जोड़ दें तो यही आप लोगों को घटाना भी पड़ेगा, तो ये आप लोगों का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ग्यारह एक्स यहाँ पे है, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं दो गुणे ग्यारह बटे दो एक्स, ठीक है। दो दो से कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस ग्यारह एक्स ही आएगा, ठीक है। अब ग्यारह बटे दो का स्क्वायर इसे साथ में ले लेंगे, ठीक है, जो बचेगा अंत में लिख देंगे, 18 माइनस ग्यारह बटे दो का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, किसका x माइनस ग्यारह बटे दो का होल स्क्वायर, ठीक है। और आगे आपका क्या आएगा, आगे 18 माइनस ग्यारह बटे दो का स्क्वायर है, इसे जब हल करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस उनचास बटे चार, ठीक है। यानी हल करने पे क्या आ गया है, ध्यान से देखिए, इसे हल करने पे आएगा x माइनस ग्यारह बटे दो का होल स्क्वायर माइनस उनचास बटे चार, ठीक है। अब इसमें जो है व्यंजक का न्यूनतम मान पूछा गया है, तो एक्स माइनस ग्यारह बटे दो का होल स्क्वायर है, ये जो है ज़ीरो के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम मान पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया ज़ीरो, ज़ीरो माइनस उनचास बटे चार, ठीक है। तो क्या आएगा आपका माइनस उनचास बटे चार, यानी व्यंजक का न्यूनतम मान जो आएगा माइनस उनचास बटे चार। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग पद का न्यूनतम मान जो है ज़ीरो होता है, ठीक है। इसलिए व्यंजक का मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो माइनस उनचास बटे चार, माइनस उनचास बटे चार जो है आंसर आएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस एट माइनस अस्सी का एक गुणनखंड है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो मान लीजिए जो है पहला वाला एक गुणनखंड है, एक्स माइनस नौ एक गुणनखंड है, तो x बराबर नौ रख के देखना पड़ेगा कि बहुपद का मान ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। बहुपद में आप लोगों को x बराबर नौ रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुपद क्या दिया गया है,
एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस एट, माइनस अस्सी। एक्स बराबर क्या रखना है? नौ। तो क्या आ जाएगा? सात गुणे चार गुणे एक माइनस अस्सी। तो ये आएगा अट्ठाईस माइनस अस्सी, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, यानी पहला वाला जो है गुणनखंड नहीं है। दूसरा वाला चेक करेंगे। अब बहुपद में क्या रखेंगे? एक्स बराबर दस, दस जब रखेंगे तो आठ आएगा गुणे पाँच आएगा गुणे दो आएगा माइनस अस्सी। तो अब देखिए आठ बचे चालीस में दो का गुणा करेंगे, अस्सी माइनस अस्सी बराबर जीरो। तो दस रखने पे बहुपद का मान जो है जीरो आ रहा है, यानी जो है दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है, एक्स माइनस दस एक गुणनखंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दस देखिए। एक्स पावर बारह प्लस एक्स पावर फाइव प्लस सात को एक्स प्लस वन से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक्स प्लस वन से विभाजित करने पर जो शेषफल आ रहा है जीरो, तो एक्स प्लस वन जो है गुणनखंड हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस वन। ठीक है, तो एक्स का मान माइनस वन, ठीक है, एक्स का मान माइनस वन जो है इसमें रख देंगे, तो जो मान आएगा वही आपका शेषफल होगा। तो क्या है आपका बहुपद? एक्स पावर बारह, एक्स पावर फाइव प्लस सेवन। एक्स बराबर क्या रखना है? माइनस वन। माइनस वन रखने पे जो मान आएगा वही आपका जो है शेषफल आएगा। तो माइनस वन के पावर बारह, माइनस वन के पावर फाइव प्लस सात। तो माइनस वन पावर ट्वेल्व है, यानी सम संख्या है, तो एक आएगा यहाँ पे, माइनस एक आएगा प्लस सात। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? सात आएगा, तो सात आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, मान सात आ रहा है यानी सात शेषफल। ठीक है, तो ये थे चार प्रश्न जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।